हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आरबी जेई की रिवाइज आंसर की आ गई है, तो फाइनल आंसर की आपकी आ गई है। आप इस आंसर की को चेक कर सकते हैं और रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं आंसर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आरआरबी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर में ही दिखेगा 10/10/2019 की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, CER नंबर JEE DMS और CMA पोस्ट के लिए आपकी एग्जाम हुई थी, सेकंड स्टेज TVT 2। इसमें आप देखिए कि व्यूइंग ऑफ फाइनल आंसर की एंड रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शन रेज बाई कैंडिडेट। कैंडिडेट ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया था उसके बारे में भी है। कैंडिडेट हु अटेम्प्ट सेकंड स्टेज CVT 3 वेयर अलाउड टू व्यू देयर क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की एंड रेज द ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन की ड्यूरिंग द 26 से 29। ये 26 से 29 तक आपकी डेट दी गई थी जिसके अंडर आप अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे कि ऑब्जेक्शन रेज बाई कैंडिडेट वेयर एनालाइज एंड की फॉर सम क्वेश्चन वेयर चेंज एंड क्वेश्चन विथ मल्टीपल आंसर और नो की और एम्बिजियस वेयर इग्नोर्ड एज पर द एक्सटेंट प्रोसीडर फॉलोड बाई RRB। यानी इसका मतलब कि मल्टीपल आंसर की और नो आंसर की और MBA, इसके लिए कुछ क्वेश्चन को RRB ने इग्नोर किया है। ठीक है ना, उस कैंडिडेट में व्यू द मॉडिफिकेशन की फॉर देयर द क्वेश्चन पेपर एंड आल्सो नो फाइनल डिस्क्रिप्शन ऑन द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय देम इन एनी बाय लॉगिंग टू लिंक प्रोवाइडेड बाय RRB। RRB की तरफ जो लिंक प्रोवाइड किया है वो 10 से लेकर 12, यानी आज 10 तारीख है आपका, तो आज से लेके 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनल आंसर की किस तरह का आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इस नोटिफिकेशन को। मैं सोचा आपके लिए थोड़ा बता दूं, क्योंकि आप आज शाम में लगभग, अभी से तो नहीं लेकिन शाम 4 से 5 के बीच में आपका ये ऑब्जेक्शन आपका वहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा कि आपने ऑब्जेक्शन किया था तो आपके आंसर की वहाँ पर क्या आई है। उसके बाद फिर आपको अगर रिजल्ट की बात करूँ तो आपको पता होगा कि 5 से लेकर 7-8 दिन में आपके रिजल्ट आ जाएगी। तो आप ये रख लीजिए 10 दिन के अंदर जो है आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो 10 तारीख यानी 20 तारीख से पहले, तो 15 से 20 के बीच में जो है आपके रिजल्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि RRB CVT 2 का आपका रिजल्ट किस तरह का आया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।